गुरु के सिवा, ठाकुर के सिवा पूरा कोई सपना ना होता। ठाकुर के बिना पूरा कोई सपना ना होता। बिना आपका कोई नहीं हो सकता चौधरी साहब। हमने देखी दुनिया जो आसिया उजारे, जो आसिया उजारे, जो आसिया उजारे। हमने देखी दुनिया जो आसिया सुन राम लखन भाई जैसे जोड़ना मिलता। राम लखन भाई जैसे जोड़ना अपना ही पराया होता है। किसको कहे अपना, अपना ही पराया होता है। अपना ले ठाकुर को वही एक अपना होता है, बाकी तो वासना है संसार हर पल पराया होता है। जिनको हम समझे अपना वो जहर है पिलाते, वो जहर पिलाते, वो जहर पिलाते। जिनको समझे अपना वो जहर है पिलाते, वो जहर पिलाते, वो जहर पिलाते। स्वार्थ निकाले और इल्जाम है लगाते, इल्जाम है लगाते, इल्जाम लगाते, इल्जाम लगाते, इल्जाम लगाते, बदनाम कराते, इल्जाम लगाते, बदनाम कराते, बदनाम कराते है वो इल्जाम लगाते। तो बेदाग जमाने में कोई चेहरा न मिला।
ये दाग जमाने कोई जमाने में कोई अपना ना विश्वास करना। अरे विश्वास किससे करें बताइए, जब तक किसी की आस पूरी होगी तब तक उसे विश्वास है। जिस दिन उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ हुआ उस दिन वो आपका दुश्मन खास है। जब तक इच्छा पूरी हुई तब तक उसका आप पर विश्वास है, और जिस दिन इच्छा पूरी नहीं हुई उसी दिन से वो दुश्मन आपका सबसे खास है। विश्वास करना है तो ईश्वर से किया करो, ईश्वर से किया करो, ईश्वर से किया करो। विश्वास करना है तो ईश्वर से किया करो, ईश्वर से किया करो, ईश्वर से किया करो। हर रोज हरि नाम के ताले को पिया करो, पिया कर, डाल पिया कर, डाल पिया कर, डाल पिया कर, अरे तू डाल पिया कर। तो ब्रह्मांड पूरी तुझसा, पूरी तुझसा बेदर्द ना मिलता। हरि को भजा होता तो दिल में दर्द ना होता, हरि को भजा होता तो दिल में दर्द ना होता, हरि को भजा होता तो दिल में दर्द ना होता। दिल में दर्द न होता, हरि को बजा होता तो दिल में दर्द न होता, दर्द न होता दिल में दर्द न होता, दर्द न होता दिल में दर्द न होता। ब्रह्मांड पूरी तुझसा बेदर्द न होता, जमाने में कोई अपना न होता। Thank you.
कोई किसी का नहीं। ध्यान रखना कि नवत नवत बहु भाती है, नवत नवत को तीन चीज बहुत ही नवे सीता चोर झुकने से आप प्रभावित होते हो ना, लेकिन ज्यादा खतरा वही होता है कि लव इज स्वीट पॉइजन। प्यार करें लेकिन उससे जो आपको करता हो, जिससे आप करते हो प्यार अधूरा हो सकता है। और आपसे प्यार कौन करता है? सद्गुरु और बिहारी, बाकी कोई नहीं करता। बाकी प्यारी तो झूठी है। आक्रूर जी को भेजा गया है ब्रज में। आक्रूरो अपि च ताम रात्रिः मधुपर्यामः मतिः उसी त्वारतमायस्थाय प्रययोनन्द गोकुलम्। आक्रूर जी ब्रज की तरफ आए हैं, मथुरा से रात बिताकर प्रातः काल ब्रज की गलियों में आगमन होता है। और जैसे आकुर का आगमन होता है तो आकुर के हृदय से एक भावना जगती है कि गच्छन पथि महाभाग, गच्छन पथि महाभाग भगवतम बुजे चढ़े भक्ति परामुपगत एवमेतद चिंतयत। मेरा शायद आज भक्ति पूरी हो गई, कोई बड़ा अच्छा काम किया है, कोई सौभाग्य किया है जो बिहारी के चरणों में भगवत अम्बुजे प्रभु के चरणों में, भगवान के चरणों में एक क्षण बिताने का अवसर मिला, तो शायद आज हमने बहुत बड़ा शुभ कार्य किया। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपरा। अक्रूर जी को अपनी भक्ति पूरी होने का संकेत है क्योंकि तो मुझे मेरे बिहारी के दर्शन होंगे। भाव क्या होना चाहिए? अखिया हरि दर्शन को प्यासे, अखिया हरि दर्शन को प्यासे, अखिया हरि दर्शन को हरि दर्शन को प्यासे।
कमल नयन को हरि दर्शन को प्यासी हरि दर्शन को प्यासी अखिया हरि दर्शन को करते हैं। आप भी अगर अपने किसी प्रियतम से परिवार में रिश्तेदार में मिलने जाते हो तो बड़ी तमन्नाएं होती हैं।